आ चुका है, तो अब क्यों आप चेंज करिएगा? किस बात पर आप चेंज करिएगा? आप तो चेंज करने का कोई आपको मोटिव नहीं है। आंखें और कान बंद कर लिए और एक भ्रम फैलाया है कि नारी को सशक्तिकरण प्रदान किया जा रहा है। स्टेटमेंट बाय आवर एजुकेशन मिनिस्टर एंड ही इज नॉट रेडी टू चेंज हिज स्टेटमेंट। आई डोंट नो व्हाई लोग आपके पास गए हैं, हंसी आती है ऐसे शिक्षा मंत्री पे, उतनी बार उनकी बातों में फ्रिक्शन आती है। तभी तो SOND लिखने वाला संडे है यहाँ पे, जो टीचर है MOND लिखने वाला मंडे टीचर है। तो वैसे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पटना के गांधी मैदान में जमा है STET के अभ्यर्थी और उनकी मांग है सरकार से कि उनकी आवाज़ सरकार सुने और ये बात सरकार सुने। और इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बहुत कुछ ऐलान किया है, मगर कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या है उनकी मांग, क्या है उनकी सोच और क्या है सरकार से उनकी अपील। क्या है आपका नाम? मेरा नाम पुष्पांजलि है और आप जानते ही हैं कि ये मेरिट धारी का आंदोलन चल रहा है और वो बार बार अपना डिमांड यही रख रहे हैं कि जो हमारा विज्ञापन है सरकार उनको फॉलो करे, जो उसके अकॉर्डिंग हमारी बन चुकी है लिस्ट उस पर ही हमारी बहाली हो, ना कि उसका उससे के साथ छेड़छाड़ किया जाए। हमारी डिमांड बस यही है कि जो हमारे रूल्स बना दिए गए हैं, आज हम एग्ज़ाम देकर मेरिट में आ चुके हैं, हमारा रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब क्यों आप चेंज करिएगा? किस बात पर आप चेंज करिएगा? आप तो चेंज करने का कोई आपको मोटिव नहीं है। मोटिव आपको अगर चेंज करना होता तो ये एग्ज़ाम 2019 में इसका फॉर्म निकला था, 20 में एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हो गया, फिर ऑनलाइन लिया गया। आप जिस समय कैंसिल किए थे उस समय भी आपके पास था, आप नोटिफिकेशन को विभाग निकाली पढ़ सकती थी हुबहू कि इसमें हमें कोई त्रुटि है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, मगर अब एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट हो गया, मेरिट बन गया, तब आप कहिएगा कि हम विज्ञापन में चेंजिंग करेंगे? ये कैसे हो सकता है? ये होना ही नहीं चाहिए। और मेरिट और नॉन मेरिट इक्वल नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। आपका नाम? विभा चौबे। तो ये जो सरकार महिला सशक्तिकरण की एक तरफ बात करती है और दूसरी तरफ जिस तरह से आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है रोज़गार को लेकर, अपनी मांग को लेकर, तो क्या लग रहा है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है आप लोगों? सरकार ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए और एक भ्रम फैलाया है कि नारी को सशक्तिकरण प्रदान किया जा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे सिर्फ शोषण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हम अपनी मेहनत से पढ़ाई करके मेरिट में आते हैं और उसके बाद हमें सड़कों पे उतरने पर मजबूर कर दिया जाता है। हमारी गलती बस यही है, आज हमें यही फील होता है कि हमारी शायद कोई गलती हो गई कि हम मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, क्योंकि हमसे तो सिक्योर नॉन मेरिट वाले फील करते हैं कि कहते हैं कि हमारी नियुक्ति तो पक्की है, लेकिन हम तो इस पोजिशन में भी नहीं है कि ये कहें कि हमारी नियुक्ति पक्की है। और ये सारा जो सिचुएशन अराइज हुआ है ये जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, इस वन रॉन्ग स्टेटमेंट बाय आवर एजुकेशन मिनिस्टर एंड ही इज़ नॉट रेडी टू चेंज हिज स्टेटमेंट। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम? वो अपने आप को गलत नहीं साबित करते हुए देखना चाहते हैं और इसलिए हर दिन एक दूसरा स्टेटमेंट, उसके बाद फिर हर एक दूसरा स्टेटमेंट और फिर बदल जाना, इस तरह का एक इंसान जो उस पद पर बैठा है उसके लिए ये करना उचित नहीं है। मुझे लगता है सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आपका नाम? प्रियंका प्रीतम। तो क्या आप भी 4 अक्टूबर के धरना में आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। और क्या लगता है कि और जो आपके साथ और भी महिला अभ्यर्थी होंगी, सारी महिला अभ्यर्थी हों या फिर लड़के हों, जो भी हैं वो सब धरना प्रदर्शन में बिल्कुल आएंगे? नहीं आएंगे तो कुछ होगा ही नहीं। आज तक हम लोग धरना ही कर रहे हैं और हमारे पास दूसरा विकल्प कुछ है नहीं करने के लिए, और उस दिन हम आएंगे, 4 तारीख को भी आएंगे। और शिक्षा मंत्री से यही निवेदन है कि बस हम हमारी धारणा को देखिए, परखिए और सोचिए कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है, हमने कहाँ कहाँ गलती की है, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि मुझे करना क्या है। मुझे नहीं पता कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, वो शिक्षा के बारे में जानते भी हैं या नहीं है। तो उनकी उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि जितनी बार हम लोग आपके पास गए हैं, हंसी आती है ऐसे शिक्षा मंत्री पे, उतनी बार उनकी बातों में फ्रिक्शन आती है। फ्रिक्शन इट मीन्स कि हम जो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर वो कुछ भी करते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है कि मुझे आंसर क्या करना है। और आंसर क्या करना है इसलिए नहीं पता है कि उनको आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ करप्शन है, सब कुछ यहाँ पे लेन देन से मैटर होता है। हम तो लेन देन की बात करते नहीं हैं, हम मेरिट वाले हैं। एंड ही सेड कि मेरिट इज़ इक्वल टू नॉन मेरिट, तो कैसे हो सकता है मेरिट इज़ इक्वल टू नॉन मेरिट? हो सकता है ऐसा? हो सकता है, इनके स्टेट में हो सकता है, इनके कार्यकाल में हो सकता है। तभी तो SOND लिखने वाला संडे है यहाँ पे,
जो टीचर है, MONDE लिखने वाला मंडे टीचर है, तो वैसे टीचर डिजर्व करते हैं शायद, हमारे जैसे नहीं करते हैं। अगर हमारे जैसे करते तो यहाँ रोड पे खड़े होकर डेली धरना नहीं करते। और यही संदेश उनको जाना चाहिए कि हम धरना इसलिए कर रहे हैं कि उनको बाइकआउट करना चाहते हैं, वैसे टीचर्स को बाइकआउट करना चाहते हैं। हमारे जो प्राथमिक स्कूल के टीचर हैं या बिहार बोर्ड के जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, उनको ये फील ना, इंफीरियरिटी नहीं फील हो कि हम जब CBSE वालों के सामने जा रहे हैं तो हम अपने आप को नीचा देख रहे हैं। नहीं, क्यों ऐसा होगा? अगर हमारे जैसी टीचर होगी तो बिल्कुल वैसे हम लोग नहीं होने देंगे। बच्चे हमेशा अपने अंदर से स्ट्रांग होंगे, क्योंकि हम स्ट्रांग हैं, पढ़ाएंगे वैसे। तो हमारे शिक्षा मंत्री स्ट्रांग नहीं है, इसलिए स्ट्रांग टीचर नहीं देखना चाहते हैं अपने स्कूलों में। मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, मगर आपको क्या लगता है कि ये एक नारा है या फिर हकीकत? ये बस नारा है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ और पढ़ाओ और दहेज ना लो। अगर ऐसा होता तो बेटी ही ज़्यादा ये शिक्षा में है, ये BED की हुई है और टीचर्स लाइन में है, बेटी ही ज़्यादा है। तो यहाँ अगर उनको इतनी फिक्र होती कि अपना बच्चा को छोड़ के, घर परिवार छोड़ कर हम लोग यहाँ धरना में बारिश में बैठे हुए हैं, तो उनको सबसे पहले हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए था। 2 साल से जो रोड पर टहला रहे हैं, उनको ये होना चाहिए था कि नहीं, इनको शालीनता से जॉब दे दिया जाए, क्योंकि हम मेरिट वाले हैं, कोई मांग नहीं रहे हैं उनसे, कुछ मांग नहीं रहे। आपका ये प्रोटोकॉल था ना, विज्ञापन निकालना आपका प्रोटोकॉल था, उसमें सारा कुछ आप अपने मन से लिखे हुए थे, तो फिर उसमें चेंजेस क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है चेंजेस? हम क्यों बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? वी आर नॉट रियली अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर सिटिंग एट होम। सरकार से इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि ये बिहार के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षक बनना चाह रही हैं। इन्होंने STET की परीक्षा पास की है और STET की परीक्षा पास करके ये उस नोटिफिकेशन के आधार पर अपनी योग्यता साबित करने की बात कर रही हैं। उसी नोटिफिकेशन के आधार पर STET में बहाली चाह रही हैं, जिसे सरकार ने निकाला था और जिसे सरकार ने ही रद्द किया, मगर लोगों ने इसे लेकर कई तरह की बातें कर रही हैं। अब देखना है कि सरकार इनकी मांगों को कितना सुनती है, क्योंकि सरकार अभी तक नहीं सुन रही, जिसकी वजह से 4 अक्टूबर को ये लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए गर्दनीबाग पटना में बैठ रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पुकारने के लिए वहां से आवाज़ लगाएंगे। अब देखना है कि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचती है, सरकार इनकी आवाज़ को पर कितना ध्यान देती है और सरकार इनके लिए कितना कुछ सोचती है। बहरहाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है और बिहार की ये बेटियां सड़क पर हैं, अपनी भविष्य की मांग कर रही हैं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।